मानो या ना मानो बहुत ही खतरनाक रोड ये है, एंड डरावना भी कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे लाइट्स नहीं है पहले तो, एंड काफ़ी बार ऐसा माना गया है कि इस रोड पे भूत देखने मिले हैं। सो इट्स लाइक रात के 12 बजे के बाद तो यहाँ पे आना बहुत ही मुश्किल होता है। कई बार हमने बहुत सारे किस्से सुने हुए हैं यहाँ के। Hey guys, welcome back to our channel after many days. 2K and lost guy, Anshu, वापस मिले एंड आज एक स्टोरी क्रिएट करने वाले हैं जो करण भाई डिटेल में बताएंगे। बेसिकली इट इज द स्टोरी अबाउट अ मैन हु हैज अ डॉग जर्मन शेफर्ड। इन पास्ट ही हैज अ डॉग एंड नाउ ऑन दिस डे ही हैज अ बर्थडे टुडे एंड वी आर गोइंग टू मीट दैट डॉग 15 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम दिस प्लेस। वी आर गोइंग टू मीट दैट डॉग एंड किसका बर्थडे है वो हम लोग डिटेल में आगे जाकर बताएंगे कि किसका बर्थडे है। सो कीप अलाइव विथ अस 3 पीपल एंड थोड़ा एंजॉय करो, थोड़ा व्लॉग स्टाइल होगा इस वीडियो में। सो लेट्स गो। गाइस आप लोगों ने देखा कि एक डॉगी और इंसान का प्यार कैसा होता है एंड उन लोगों का अटैचमेंट भी कैसा होता है। सो इस वीडियो के जरिए हम लोगों ने ऐसे आपको दिखाने का ट्राई किया है कि एक स्टोरी एक इंसान और एक प्राणी का क्या रिलेशन बन सकता है। आज की जो हमारी जो शॉर्ट मूवी थी उसके हीरो हमारे बर्थडे बॉय मिथ से जानेंगे कि उन्होंने मतलब ये कुत्ता उनके साथ इतना अटैच था तो उन्होंने फार्म पर उसको क्यों छोड़ा। मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि वो सिटी के एटमोसफियर में रहे उससे अच्छा है कि ये इधर फार्म हाउस में उसको एक उसका फ्रेंड टाइगर भी मिल गया है और रॉकी, और ये फार्म हाउस का एटमोसफियर बहुत अच्छा है उसके लिए, नेचुरल है सिटी के एटमोसफियर से। सो इसके लिए Like 7:20 of evening and अभी हम वापस जा रहे हैं घर जो जोशी भाई की बर्थडे सेलिब्रेशन करनी है। एंड मानो या ना मानो बहुत ही खतरनाक रोड ये है एंड डरावना भी कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे लाइट्स नहीं है पहले तो, एंड काफ़ी बार ऐसा माना गया है कि इस रोड पे भूत देखने मिले हैं। सो इट्स लाइक रात के 12 बजे के बाद तो यहाँ पे आना बहुत ही मुश्किल होता है। कई बार हमने बहुत सारे किस्से सुने हुए हैं यहाँ के। सो गाइस जब भी आप यहाँ पे आओ तो केयरफुल जरूर रहो। सो फ्रेंड्स अभी तक हमने बहुत सारे टॉपिक्स पे वीडियो बनाए हैं एंड आज का जो वीडियो था एक स्टोरी थी। अभी तक ऐसे टॉपिक पे हमने वीडियोस नहीं बनाए हैं।
जोशीमित हमारा एक स्पेशल फ्रेंड है ऑलवेज, और प्रीवियसली मेरे ख्याल से 2-3 वीडियो में आ चुका है। सो हमने सोचा कि उसकी बर्थडे स्पेशल बनाते हैं। सो आज की पूरी स्टोरी उसके भेजी थी, एंड वी होप कि यू ऑल लाइक दिस एफर्ट फ्रॉम अस। सो गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बीइंग अलाइव विद 2K।